वेलनेस मंत्रा बाय कुंजन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा तेल बनाएंगे जिससे आपके वक्त के पहले होने वाले सफेद बाल धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बड़ी पत्ती एलोवेरा की और करीब 7 से 8 हरे आमले। एलोवेरा को छिलके समेत धो के ऐसे काट लीजिए और आमले भी धो के पोंछ के ऐसे काट के अपने मिक्सी जार में भर लीजिए। अब हम पहले एक पाउडर बना के रख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। करीब 3 चम्मच मेथी दाना और इतना ही कलौंजी और सफ़ेद तिल एक सूखी कढ़ाई में लेंगे और थोड़ा भून लेंगे जिससे इसकी नमी निकल जाए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो मिक्सर में इसे चला के इसका पाउडर बना लेंगे। अब एक साफ और सूखे पैन या कढ़ाई में सरसों का तेल करीब 100 से 150 ml ले लेंगे। थोड़ा गर्म हो जाने पे इसमें जो मेथी दाना, कलौंजी और तिल का पाउडर बनाया है वो इसमें डाल देंगे। फिर इसमें कटे हुए एलोवेरा के टुकड़े डाल देंगे और इसको अच्छे से कम आंच पे पकने देंगे। तब तक कटे हुए आमलों को अपने मिक्सी जार में अच्छे से बिना पानी मिलाए क्रश कर लेंगे। आमला पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए धैर्य से काम लीजिए। देखिए एलोवेरा भी कम आंच पे बढ़िया पक रहा है और इसने अपना पूरा रस इस तेल में छोड़ दिया है। अब इसमें पिसा हुआ आमला भी डाल देंगे। आमला थोड़ा मोटा पिसा हुआ है जो कि चलेगा, बाद में ये धीरे धीरे पक के अपने आप गल जाएगा। इसे अच्छे से टोटल 25 मिनट करीब पकाएंगे। देखिए 8 मिनट में ये ऐसा दिखने लगता है। धीरे धीरे एलोवेरा और आमला अपना पूरा सत इस तेल में छोड़ देता है। पूरा आमला पक पक के अच्छे से तेल में मिल जाता है और एलोवेरा भी काफ़ी हद तक डिसॉल्व हो जाता है और तेल ऐसा पीला सा दिखने लगता है। आंच लगातार कम की तरफ ही रखेंगे और इसको धीमी धीमी आंच पे करीब 25 से 30 मिनट तक पकने देंगे। बढ़िया एलोवेरा और आमला का जूस इस तेल में मिल जाता है और देखिए ये कैसा सब्जी जैसा लग रहा है क्योंकि हमने इसमें सरसों का तेल लिया है। अब आंच बंद कर देंगे। इसके बाद इसको एक तरफ से ऐसे थोड़ा ऊंचा करके रात भर या करीब 7 से 8 घंटों के लिए छोड़ देंगे ताकि सारा तेल एक तरफ रिस कर इकट्ठा हो जाए। उसके बाद संभाल कर इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे जिससे ये आसानी से किसी शीशी में भरा जा सके। मोटा मोटा ऐसा टेढ़ा करके जितना तेल आराम से निकले कटोरी में निकाल लीजिए। बचा हुआ मिक्सचर से तेल निकालने के लिए हम छन्नी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मटेरियल डालते जाएंगे और दबा दबा के उससे तेल निकाल लेंगे। एक एक बूंद कोशिश करके इस मिक्सचर से निकाल लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे एलोवेरा और आमले के तत्व हैं। और जो छन के ये मिक्सचर निकल रहा है उसे या तो आप हेयर पैक बना के लगा सकते हैं या फेंक दीजिए एज पर योर विश। बस अब इस तेल को संभाल के एक साफ और सूखी शीशी में भर लीजिए।
मेरे पास डाबर आमला हेयर ऑयल की ये शीशी थी, उसी में मैंने भर लिया है। आइए फटाफट इसके फायदे देख लें। एलोवेरा और आमला दोनों ही आपके बालों की जड़ों में मेलानिन बनाने में हेल्प करता है और बालों को धीरे धीरे काला कर देता है। इसी तरह मेथी दाना, कलौंजी और सफ़ेद तिल बालों के लिए बेस्ट है। ये बालों की रूसी कम करके आपके स्कैल्प को नरिश करता है और बाल झड़ना कम कर देता है। तो बस इसे लगाइए और खुद ब खुद इसका असर अपने हेयर्स पर देखते जाइए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।